Hi guys, it's Flying Girl Jyoti and welcome back to my channel. And as you already know by the title that this video is going to be about my journey on becoming cabin crew, how I became, what all was the process and whether I really wanted to become a cabin crew or not. Without wasting any time, let's get into the video and start with all the details. So the people who know me, they already know that I work for an aviation industry, and so far I have been really enjoying my job and I love doing the work I am doing right now. And also I love the fact that it gives you ease to travel different places, meet different people every day. So the another part I really like about this job is that you don't have to worry about anything at all. Be it your roster or transportation or going to different places, staying in different hotels, about the food and all, everything is provided by the company. So now let's begin with the part that how I became the cabin crew. Actually, I had no plans on becoming cabin crew until 2016, I must say, or maybe end of 2015. 12th pass karne ke baad mere plans the that main apna BBA complete karungi, then I will complete my MBA in maybe financing or HR, aur uske baad look for an job in any multinational company or ya fir अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स और बैंक्स एंड ऑल, उसके प्रिपरेशन करूँगी। तो चार सेमेस्टर तक मैंने रेगुलर कॉलेज किया, उसके बाद कहीं से मुझे पता चला जिस कॉलेज से मैं अपना डिग्री ले रही थी उस कॉलेज को UGC ने डीरेकग्नाइज कर दिया है। इट वॉज रिकग्नाइज अनटिल 2015, बट मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2016 में पूरा हो रहा था। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मेरा इतना सारा पैसा भी यहाँ पे लग गया है एंड यूनिवर्सिटी जो डिग्री प्रोवाइड करेगी वो रिकग्नाइज ही नहीं रहेगी, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। एन मैं जॉब्स लेने जाऊँगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर एंड काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो कि क्या करूँ और क्या मुझे क्या करना चाहिए। तो UGC एजुकेशन से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेती है, बिकॉज दैट इज़ द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो अगर UGC ने ही कॉलेज को डी रिकग्नाइज कर दिया है, उसकी डिग्री को डी रिकग्नाइज कर दिया है, तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाती। सो आफ्टर दैट आई स्टॉप गोइंग टू द कॉलेज, और उसके बाद मैंने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए। सो इन बिटवीन दैट टाइम देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू डू माई ग्रेजुएशन ऑल ओवर अगेन। और इसी के चलते एक कुछ महीने मैं घर पे बैठी रही। फिर मैंने आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब कि अभी पढ़ाई तो है नहीं, एंड फिर से मुझे रेगुलर कॉलेज नहीं करना था बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 ईयर्स अपने स्पेंड कर दिए थे, और उसके बाद से फिर से मुझे नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि मैं फिर ओपन से अब भर दूंगी कॉलेज के लिए, एंड मैंने छोटे छोटे बहुत सारी जगहों में जॉब किया। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों में 10,000, 7,000, 8,000 ऐसे सैलरी में जॉब्स करी। गेव अ थॉट टू बिकमिंग कैबिन क्रू ऑल्सो, सिंस माई एल्डर सिस्टर वॉज ऑल्सो इन एविएशन इंडस्ट्री एंड आई हैड some idea about the process and all. Then I started giving interviews. First interview I gave with Indigo, wherein I could not get through it. First time मैं interview के लिए गई थी, मैं बिल्कुल भी prepared नहीं थी। मुझे बस इतना था कि I have to do my makeup properly और अच्छे से formal कपड़े पहनने हैं और अच्छे से वहाँ पर जाना है। तो मैंने दिल्ली में ही हौज खास में मैं एक रिजॉर्ट में गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे कम से कम भी 400 से 500 कैंडिडेट्स थे जस्ट फॉर दिस जॉब ऑफ कैबिन क्रू। तो लुकिंग एट ऑल दोज ब्यूटीफुल वुमन आई वाज लाइक ओ गॉड, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। सो आई गॉट अ लिटल नर्वस आई गेस, ठीक है। और उसके बाद उस टाइम पे आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं थी,
तो उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद ही आई कुड नॉट गेट थ्रू इट. सो स्पाइस जेट में आई वाज टोल्ड दैट दे डोंट हायर द सिबलिंग्स बिकॉज मेरी सिस्टर वहाँ पे ऑलरेडी थी, तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई. उसके बाद आई वेंट फॉर गो एयर का इंटरव्यू. गो एयर के इंटरव्यू में आई वाज टोल्ड दैट आई एम लिटिल अंडर वेट, बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट गेट थ्रू. So then again, I went for an interview in Noida. My friend, we went there together for the interview. So we got through first round, and in the first round, they will, you know, normally ask you, tell me something about yourself and about your education, and they will measure your height, weight, and they will, you know, just check your scars if you have, you know, any visible scars on your arms or legs or around the neck and all. After waiting for an hour or two, we got to know that we were selected for the second round, and we were handed over a you know, congratulation letter where the dates were mentioned for the next round. So it was right after a week. The second round and all the further rounds were held in Gurgaon, the head office. So मैं और मेरी friend वहाँ पे हम पहुँचे. सुबह सुबह चले गए थे, you know, पूरा तैयार व्यार होके. And second round के लिए वहाँ पे first what they do is वहाँ पे एक दो लड़कियाँ already रहती हैं जो कि basic grooming आपकी check करती हैं, और उसके बाद आपका थोड़ा सा टचअप भी कर देते हैं, लाइक मेकअप वेकअप भी कर देते हैं, और वो अपना आपका बन वन भी बना देते हैं. उसके बाद हमारा वहाँ पे जनरल मेडिकल था जहाँ पे आपकी आई साइट चेक होती है, एंड हाइट वेट स्कार वगैरह आपके वहाँ पे प्रॉपरली चेक होते हैं. तो मेडिकल राउंड के बाद हमारा था जीडी राउंड. जीडी राउंड के लिए 10 लड़कियों को हमें साथ में भेजा था, ठीक है, एंड वी वर गिवन अ टॉपिक, ठीक है, दो टॉपिक्स हमें दिए गए थे टू डिस्कस. फाइनली हमें पता चला कि दैट वी आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, वी कुडंट गेट थ्रू द जीडी राउंड. फिर उसके बाद हम घर वापस आए. आफ्टर दैट आई वॉज डूइंग अ जॉब समवेयर इन अ मॉल. उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने इंटरव्यू नहीं दिया. आई वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऑल्सो, एंड दिस वॉज माई थर्ड टाइम, यू नो, गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, एंड दैट टू इन द सेम एयरलाइन. This time also I was very hopeless, and I was still nervous and lot of things going on, and I had decided that if this time I cannot get through, I am not going to come again and embarrass myself again and again, or because this was almost like fifth interview of mine. I was kind of, you know, disheartened, and I was thinking maybe aviation is not for me, I cannot. मैं गई अगेन हॉर्स कास्ट में. मैंने अपना इंटरव्यू दिया था वहाँ पे. जाने के बाद वही हमारा सारा फर्स्ट राउंड हुआ. फर्स्ट राउंड में दे बेरली आस्क यू लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड बेसिक फ्यू थिंग्स, एंड देन दे विल टेल यू टू वेट फॉर सम टाइम. एंड दिस टाइम आई गॉट थ्रू फर्स्ट राउंड, एंड आई वॉज गिवन अ डेट फॉर सेकेंड राउंड. And luckily, I got through like all the rounds this time. आना था नीचे जाके हमें ऑनलाइन टेस्ट देना था जहाँ पे आपको बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ इंग्लिश उंग्लिश इधर उधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको बस देना होता है. देन दे गिव यू द डॉक्यूमेंट्स टू साइन, मतलब वो एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वहाँ पे वो ऑप्शंस भी देते हैं दैट कि आपको कौन सा बेस लेना है. दिल्ली और बॉम्बे वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. आई वॉज गिवन 5 चॉइसेस, आउट ऑफ विच आई चूज हैदराबाद. मुझे बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद एंड चेन्नई, ये सारे ऑप्शंस दिए थे जिसमें से मैंने हैदराबाद चूज़ किया. उसके बाद सब साइन होने के बाद हम घर चले जाते हैं. सो इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, इंटरव्यू वाले दिन पे ही आपको ड्रॉप के लिए कैब प्रोवाइड करी जाती है, और वहीं पे ऑफिस हेड ऑफिस में नीचे बुफे सिस्टम होता है लंच के लिए. सबको आपको कूपन मिलेगा. आप जितनी भी बार इंटरव्यू के लिए जाओगे आपको वहाँ पे लंच मिलेगा. अगर लंच टाइम तक आप वहाँ पे होते हो तो आपको कूपन्स मिलेंगे. यू कैन गो एंड हैव लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट. सारा लंच आपको नीचे मिलेगा, पूरा बुफे होता है. वेज, नॉन वेज, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल देयर. रोटी, चावल, वॉट एवर यू लाइक. So that is really good part about my company, and they provide the cabs also. So once you get selected, the same day you will be provided, you know, cab while you go back home. So that was also a good part.
उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद 29th December 2016 मेरा था इंडक्शन डे. सो इंडक्शन डे में क्या होता है, बेसिकली आपको सारे गवर्नमेंट आईडीज लेके जानी होती है, आपके स्कूल सर्टिफिकेट्स लेके जाने होती है, बहुत सारे कॉपी करा के ले जाना होता है, और उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोज चाहिए होती हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हाटएवर यू, आप सब कुछ लेके जाना होता है. और वहाँ पे आपका उसी दिन आपका सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है और उसी दिन आपका बैंक अकाउंट खुलता है. तो आपको 3rd of January की ट्रेनिंग डेट मिली थी. So 3rd of January 2017 I started my training. तो training हमारी होती है पूरे 3 month की, like more than 3 month actually it was पूरा 100 days की training थी. 100th day पे हमारा जो था graduation था. So training में आपको basic से basic चीज़ें, communication से लेके आपका grooming से लेके how you walk, how you talk, how you know smile, how you greet people, like iFly is the like literally feels like school. और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, you know, मतलब दूसरों को कैसे greet. First day of training only you will be provided with like इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी एक दो books, और उसके बाद कुछ पतली books, सारे handouts आपको दिए जाएंगे, सारा study material दिया जाएगा, pen, diary, calculator, everything will be provided to you. You will be taught everything, be it first aid related और you know emergency, firefighting. Last में आपका होता है first is the Indigo exam wherein you have to score 90%, और जो DGCA मतलब जो government body होती है aviation industry की in India, that is DGCA, उसका passing percentage होता है 80%, but Indigo के सारे exams के passing percentage होते हैं 90%. तो हर week हमारा you know Viva and written test होता था, उसमें आपको 90 score करना ही है. अगर 90 score आप नहीं करते हो तो आपका retest होता है. If you fail the retest, you will be given the warning letter also तुमको. तो बारी अगर आपको warning letter मिल चुका है, तीसरी बार आपका रेलीगेशन हो जाएगा. रेलीगेशन होने के बाद आपको बैच मिलेगा, आप घर पे बैठे रहोगे, नेक्स्ट बैच कोई आ रहा है तो आपको उस बैच में मिलेगा, फिर आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. बहुत लोगों का हमारे मेरे बैच से इमरजेंसी मॉड्यूल तक आते आते वी वर 24 ऑफ अस, 12 लोग जो है रेलीगेट हो चुके थे. लाइक व्हाट आई बिलीव इज नो जॉब इज ईजी, लाइक एवरीवेयर यू हैव टू नो पुट इन योर हार्ड वर्क and you have to be passionate about it and keen to learn. बहुत सारी चीज़ें आपको लगता होगा कि cabin crew ये they just go on board or you know they put a lot of makeup, they wear uniform or just serve and all, not. So the safety and emergency is given the preference over service and all, though we do have like 15 days ka service ka customer service training. Graduation wale day ke liye they give invitation card to your family members also. You can call like I think 3 or 4 people from your family. So my mom, dad and my elder sister came on that day. Aur graduation ke liye abhi hame bahut preparation karni hoti hai. हमें यू नो एक कोई भी सॉन्ग मतलब पिक करना होता है और उसके लिरिक्स टोटली चेंज करके, मतलब जो जिस एयरलाइन में हम हैं उस एयरलाइन के अकॉर्डिंग लिरिक्स आपको करनी होती है. म्यूज़िक इज सेम बट द लिरिक्स विल बी डिफरेंट, वो हमें खुद बनाना पड़ता है. और वंस वो गाना पूरा कंप्लीट हो गया है, वो लिरिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, सो उसके बाद हमें जो है अपने इंस्ट्रक्टर को सुनाना होता है. अगर वो लोग अप्रूव करते हैं फिर हम उसमें डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, कम से कम 10-15 दिन पहले से ही, उससे भी पहले से हम अपनी ग्रेजुएशन पार्टी की यू नो डांस एंड सॉन्ग वगैरह के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं. देन ग्रेजुएशन वाले डे पे वही हमें सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर होते हैं, हमें विंग मिलता है, नॉर्मल पार्टी होती है जिसमें थोड़ा बहुत खाना पीना भी रहता है, बेसिक स्नैक्स एंड केक, स्नैक्स एंड ऑल, और हमें डांस. सो 15th of April मैं आई टुक अ फ्लाइट टू हैदराबाद, जो कि कंपनी की तरफ से टिकट होता है. हैदराबाद जाने के बाद हम के बाद 14 डेज का मुझे होटल अकोमोडेशन मिला था, वो जो कि इनिशियली सबको मिलता है. अगर आप दूसरी जगह, दूसरी न्यू सिटी में जा रहे हो तो आपको होटल अकोमोडेशन मिलता है 14 डेज के लिए.
तो मुझे जो है सिंगल रूम मिला था, वैसे नॉर्मली शेयरिंग बेसिस पे मिलता है, दो लड़कियों को साथ में मिलता है, बट उस दिन मैं अकेली जा रही थी मेरे बैच से, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन हु हैड हैदराबाद बेस, बिकॉज हर किसी ने अलग अलग बेस लिया था. सो मेरे होटल में 14 डेज कम्प्लीट हो गए और 14 को ही मैं अपनी फ्लाइट से वापस आई शाम को 4-5 बजे करीब, और मेरे पास स्टिल रहने की कोई जगह नहीं थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था. जिनको मैंने बताया हुआ था कि दैट आई नीड रूम एंड ऑल, उनसे मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं आया हुआ था. इट वॉज ऑल ऑन होल्ड. आई वॉज लिटरली स्कैर्ड, सो आई हैड टू कॉल माई लॉजिस्टिक पीपल, यू नो, ड्रॉप देम एन ईमेल सेइंग दैट मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए बिकॉज मेरे को रहने की कहीं भी जगह नहीं है, आई कैन नॉट मूव आउट एंड ऑल. फिर उसके बाद मैंने मेल करने के बाद मेरे को 2 दिन का एक्सटेंशन मिला और लकीली मेरे को उसके बाद ऑफ था. देन फाइनली मुझे एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर, विच इज़ लाइक ओल्ड सिटी में, हैदराबाद में ओल्ड सिटी में, मुझे फाइनली रूम मिल गया और वहाँ पे मैंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया. So this was my journey, how I became. It was not my first choice to become a cabin crew. I wanted to work for a multinational company or maybe the financing sector. But life happens and here I am happily living my... This is how I ended up becoming a flight attendant. I have no regrets. I really enjoy my job and... I really like the perks of becoming flight attendant. After doing this job, I don't think so that I would be able to love or enjoy any other job as much as I enjoy this job. There are a lot of girls who aspire to become a cabin crew because I get a lot of questions in Instagram asking me that how did you become a cabin crew? What is the process? And all, I would like to simply, tell you guys, you don't need to do any course to become a cabin crew, believe me, because I have been getting messages from several girls telling me that I paid this much, they ensured me that I will get the job, however, I did not get, that is not fair. Don't get into such things. If you really want to become a cabin crew, what you need to do is just go for a walking interview, just Google the career page of the particular airlines, just like indigo.career. All the details would be there on their official page mentioning the venue of the interview, requirements, everything is mentioned there. You can go and check. So to become a cabin crew, you don't need any certificate, any degree or any course. You don't need to join anything, any academy. What you all have to do is just you have to have your high school passed out certificate and you have to be 18 year old and have to have good communication skill and no scars, tattoos, any visible marks on your face, arms and legs. You have to have good command over Hindi as well as English, so which is the like important thing. Also, if you know any other languages, that is like very best. I'm literally sweating because it's really hot or main apna fan switch on nahi kar sakti because of the background noise. Also AC switch on nahi kar sakti kyunki window AC hai aur bahut zyada khad 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 aawaz karta hai. To main kya kar rahi hu, beech beech mein clip ko pause karke AC on kar rahi hu, thodi der apne aap ko thanda kar rahi hu, then I'm starting again. I hope you get some inspiration hearing my story of becoming a cabin crew. I will be coming up with more such videos in the future. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Press the bell icon right there. And thank you so much.